हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड, मैंने स्वीट पोटैटो वन जो लगाई थी उसका कटिंग का अपडेट वीडियो दिखा रही हूँ आपको। और फ्रेंड, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए कि बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी और रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। आपको मैंने दिखाया भी था कि जब मैंने स्वीट पोटैटो वाइन उस गमले से हटाई थी, यानी कि निकाली थी, तो उसके बाद जो कटिंग बची थी तो मैंने इसी में ग्रो कर दी और कुछ मैंने पानी में कर रखी है और ये अच्छे से नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं। अब फ्रेंड, ये बहुत अच्छा प्लांट है, ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है तभी अच्छे से चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस लगाने के बाद इसको छाया वाली जगह में, तो फ्रेंड मैंने छाया में नहीं रखा था जब तक मेरे उस पर छत पे नेट नहीं था, अब तो लग गया है। जब मैं गांव चली गई थी तो मेरे पीछे लगा दिया। तो इसमें जो नई पत्तियाँ आ रही थी कोई कोई बहुत जल सी गई है, तो मैंने उसको हटा रही हूँ। अब मैं इसको छाया में ही रख लूँगी, नहीं तो इसकी जो नई पत्ती आ रही है वो बहुत नाजुक होती है तो वो जल जाएंगी। और हमारे गार्डन में ऐसे जो अलग से हटके कलर होते हैं तो इससे बहुत अच्छा कलर आता है गार्डन में, कि ग्रीन के बीच में लगा दो इसे तो बहुत अच्छा, देखने में बहुत सुंदर लगता है अपना गार्डन। फ्रेंड, मेरे पास इस वाली पत्ते की कट में मेरे पास ग्रीन में नहीं है, इसमें मेरे पास कट में भी है। और उस पर फ्रेंड मैंने देखा है उस पर मेरे पर्पल कलर के फूल आते हैं, जब कभी आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस पर नहीं आते, ये मैंने देखा है कि इस पर कभी फूल नहीं आए। और जो मेरे कट वाले हैं ऐसे ही कलर के, उस पर मेरे पर्पल कलर का फूल आता है, जैसे मैक्सिकन पेटूनिया होता है ना, इस तरह का, या एक वो भी कह सकते हैं मॉर्निंग ग्लो बोलते हैं ना, वो ऐसा ही है। अब कभी आएगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी आपको, तो मैं वही अपडेट दिखा रही हूँ आपको कि मेरे ये स्वीट पोटैटो वाइन की जो मैंने कटिंग लगाई थी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। फ्रेंड, आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये कटिंग से लगाई थी, और आपके पास स्वीट पोटैटो हो तो उससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो से कर सकते हैं, पहले पानी में ग्रो कर लो, उसके बाद उसको कट करके हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। मैंने हैंगिंग बास्केट में जो मैंने स्वीट पोटैटो से जो बनाई थी लगाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसे ही लगा दिया था। अब उसके मैंने हटा के दोबारा से मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फ्रेंड, ये कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, आपके पास अगर नहीं है तो 30-40 रुपए में नर्सरी से प्लांट मिल जाता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। या जब सीजन आता है ये स्वीट पोटैटो का, तो उससे भी पहले पानी में ग्रो करके और उसके बाद इसको कट करके आप इसको लगा सकते हैं। एक बार ही आपके गार्डन में यह आ जाएगी, फिर कहीं नहीं जाएगी, आप कट करके इसको ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा मैंने अपने छोटे छोटे पोटों में बहुत सारी लगा रखी है ये, और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो फ्रेंड, आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, बिल्कुल कोई केयर नहीं है, कोई ज़्यादा देखभाल नहीं है, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये स्वीट पोटैटो वाइन।
और ये मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, जो बाकी बची मैंने आपको बताया वो मैंने पानी में ग्रो कर रखी है। तो फ्रेंड मैंने यही दिखा रही हूँ आपको कि मेरा कटिंग का अपडेट अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। फ्रेंड आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ फ्रेंड फुल वॉच के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड एक बारी अपने गार्डन में ज़रूर उसको ऐड करें, मेरे कहने से करें कि देखें कि ये सालों साल रहेगी आपके पास और बिल्कुल जीरो बजट की ही गार्डनिंग हो जाएगी आपकी। अगर इससे आप ढेर सारे प्लांट भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको मार्केट से लाना पड़ेगा बजा नर्सरी से।